गुड मॉर्निंग सेवेंथ क्लास. टुडे चैप्टर विल बी स्टार्ट इन थर्ड संधि. संधि अपन ने कल पढ़ी थी और संधि कितने प्रकार की होती है? तीन तरह की, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि. फिर स्वर संधि छह भागों में, संस्कृत में छह भागों में डिवाइड थी. सबसे पहले थी दीर्घ संधि. दीर्घ संधि के अपन ने उदाहरण कल पढ़े थे, ए प्लस आ वाले एग्जाम्पल अपन ने कल पढ़ लिए थे. आज अपन पढ़ेंगे उ प्लस उ वाले. देखो दीर्घ नाम से ही है कि दीर्घ है, तो ये इसकी क्या है, दीर्घ बड़ा ही उच्चारण होएगा. यहाँ देखो देखो ए प्लस ए करा था तब संधि क्या बनी थी, आ दीर्घ बनी थी. इसमें भी देखो उ प्लस उ इजल टू बड़ा उ, तो अपने विच्छेद देखो पहले, लघु छोटा उ है, लघु प्लस उत्सव. यहाँ भी ऊ छोटा है, यहाँ भी ऊ छोटा है, लेकिन दोनों मिलके संधि करेंगे तब क्या आ जाएगा, बड़ा ऊ लघु उत्सव. ठीक है ना, क्योंकि ये ऊ है और ये ऊ है, तो दो ऊ नहीं लिखते ना, ये ऊ इसमें ही कन्वर्ट हो जाता है. ये तो क्या है, घ है. ये ऊ की मात्रा है, ये ऊ की मात्रा है, तो छोटे ऊ की मात्रा प्लस छोटे ऊ की मात्रा मिलेगी तब क्या है, बड़े ऊ की मात्रा हो जाएगी. तो क्या हो गया, लघु उत्सव. सेकेंड देखो, छोटा ऊ प्लस ऊ इज इक्वल टू ऊ. एग्जाम्पल देखो, सिंधु प्लस उर्मी, सिंधु प्लस उर्मी, तो क्या बना, सिंधुर्मी, मतलब बड़ा ऊ आया. बेटा ये जो है ऊ प्लस ऊ इक्वल टू ऊ, आप ये लर्न कर लोगे तो आपकी संधि राइट हो जाएगी. अगर आपको ये पता होगा ऊ प्लस ऊ मिलके बड़ा ऊ बनता है और मैंने आपको ये दिया लघु प्लस उत्सव, इसकी संधि करो, तो आप लघु उत्सव कर सकते हो. लेकिन आपको ये पता ही नहीं है कि ऊ प्लस ऊ इक्वल टू बड़ा ऊ होता है, तो आप नहीं कर सकते हो. तो एज ये 1, 2, 3, 4 ये फॉर्मूलेज लर्न करने के हैं. नेक्स्ट देखो थर्ड नंबर, उ प्लस उ इज इक्वल टू वही उ. एग्जांपल वधु प्लस उत्सव है, क्या बना, वधुत्सव, वधुत्सव. नेक्स्ट उ प्लस उ इज इक्वल टू उ, क्या बना, भू प्लस उर्मी, तो क्या बना, अच्छा उर्मी वाला, भू प्लस उर्मी तो भूर्मी, और भू प्लस ऊर्जा तो भू भुर्जा. क्या देखो, ये ऊ इस ऊ में कन्वर्ट हो गया भुर्जा. फिर ऊ प्लस ऊ इज इक्वल टू, तो बड़ा ऊ होता है, लेकिन री प्लस री, री प्लस री वो बड़ा री में जाता है. अगर री आपका संधि विच्छेद में प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और सेकंड का प्रथम, दोनों में अगर री की मात्रा है, तो लास्ट में संधि करेंगे तब क्या हो जाएगी, बड़ी री की मात्रा. देखो मात्र प्लस सिद्धि, यहाँ री की मात्रा है, री प्लस सिद्धि, तो अपन क्या करोगे, मातृधि, क्या मातृधि, ये से वो इसमें कन्वर्ट होके क्या है, देखो बड़े री की है. तो ये अपना क्या हो गई, ये अपनी दीर्घ संधि कंप्लीट हो गई. स्वर संधि में फर्स्ट संधि थी दीर्घ संधि, वो कंप्लीट है. सेकंड कौन सी आती है, नेक्स्ट अपनी दीर्घ संधि के बाद है गुण संधि. देखो गुण संधि में क्या है कि विपरीत, जैसे ए या आ के बाद जो शब्द है अपना, उसका अंतिम वर्ण में ए या आ के बाद अगर आपकी ई या बड़ी ई की मात्रा आ रही है, ई या बड़ी ई आती है, तो वो उसके स्थान पे क्या हो जाता है, ए हो जाता है, मतलब ए की मात्रा लग जाती है, ए, ये ए ना उसके स्थान पे ए हो जाता है. कब, ए या आ के बाद अगर ई या ये ई आता है तो, और ए या आ के बाद अगर ऊ या बड़ा ऊ आता है तो उसके स्थान पे क्या हो जाता है, ओ हो जाता है, उसके स्थान पे ओ हो जाता है. और थर्ड, इसके तीन रूल हो गए देखो. तीसरा है ए या आ के बाद री आता है, ऋषि वाला, तो क्या हो जाता है, अर हो जाता है. फर्स्ट है ए या आ के बाद क्या आएगा, ई या बड़ी ई आती है, उसके एग्जांपल देखेंगे, ई या बड़ी ई आती है तब क्या हो जाएगा, उसकी जगह ए हो जाएगा, ए से एडी वाली मात्रा, एक मात्रा. अगर ए या आ के बाद ऊ या ऊ होता है तब ओ हो जाता है, और ऋषि है तो अर हो जाएगा. देखो एक एग्जांपल सबके अलग देखेंगे. देखो रमा प्लस इंद्र, ये क्या है, रमा प्लस इंद्र, रमा लास्ट का उच्चारण क्या आ रहा है, आ, और इधर प्लस के बाद क्या आ रहा है, ई. फर्स्ट क्या कह रहा है, रमा प्लस इंद्र. तो देखो ए या आ के बाद, ए या आ के बाद
ई या बड़ी ई आ जाती है, ठीक है ना, ई छोटी आओ या बड़ी आओ ई आ जाती है, तो इसकी जगह क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसमें आया ई आया, यहाँ ई आया, आ ए या आ के बाद ई आ जाता है, यहाँ ई आया है तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। देखो र मा है ना, क्या हो गया रमेंद्र, ये ई आ और ई मिलके क्या है, ए की मात्रा बन गई रमेंद्र, रमेंद्र। ये था ए या आ के बाद में ई आने पर ए हो जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो कौन सा, ए या आ के बाद में क्या आ जाता है, ए या आ के बाद में ऊ आता है, ए या आ के बाद में क्या आ जाता है, ये देखो सूर्य प्लस उदय है, सूर्य प्लस उदय। देखो ए और ऊ, ए या आ के बाद ऊ या ऊ छोटा हो या बड़ा हो ऊ आता है, ए या आ के बाद में ऊ आ गया तब क्या हो जाएगा ओ, तब क्या है ओ की मात्रा। कैसे, देखो ये दोनों मिलके ओ ओ की मात्रा आ जाती है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा सूर्यो दहे। देखो ये ऊ और ये ए दोनों मिल गए ओ, दोनों की जगह ये में किसकी मात्रा लग गई, ओ की, सूर्योदय है। नेक्स्ट क्या है, ए या आ के बाद में यदि री आता है, ए या आ के बाद में यदि री आता है तो अर हो जाता है, जैसे महा प्लस ऋषि, महा प्लस ऋषि। देखो ए या आ के बाद आ, यहाँ ए भी हो सकता है आ भी हो सकता है, ठीक है, इसके बाद में री ऋषि आता है तब क्या हो जाता है अर। देखो महर्षि, महर्षि, ये दोनों मिलके अर हो जाते हैं। देखो मैं का तो अपन ने मैं लिखा, हा री अर होता है, देखो महर्षि ए प्लस री करा महर्षि, री आता है तब अर हो जाता है। तो ये था गुण संधि के, जिसमें ए या आ के बाद में ये ए और आ के बाद में अगर ई या ई आता है तब अपने क्या हो जाता है, एक वा ए हो जाता है, चाहे ए है प्लस ई, ए आ प्लस बड़ी कुछ भी हो, और ए या आ के बाद में ऊ या ऊ आता है वहां पे ओ हो जाता है, और ए या आ के बाद में री आता है तब वहां पे अर हो जाता है। तो दीर्घ संधि गुण संधि सेवंथ क्लास। नेक्स्ट है वृद्धि संधि, गुण संधि के बाद में क्या है वृद्धि, वृद्धि बढ़ना, अपने आप वृद्धि हो रही है। देखो ए प्लस आ के बाद यदि कोई ए आता है, ऐसे एडी वाली ए मात्रा आती है, ए आए तो ऐ हो जाता है, क्या हो जाता है ऐ हो जाता है, और यदि ए या आ के बाद ओ आए, ओ से ओंखली, ओ वाली ओ मात्रा आए तो वह क्या हो जाता है औ हो जाता है। एग्जाम्पल देखो बेटा अधे प्लस ए, देखो अधे ए है, यहाँ क्या है ए, ए आया, ए प्लस के बाद में क्या ए वाली मात्रा, एक मात्रा लगनी चाहिए, ये है अधि, ये आता है तो अपना क्या हो जाता है अपने ए ही हो जाता है, तो अपने क्या अधेव, ए का एक मात्रा वाला ए ही है, अपन मात्रा दो लगाते हैं अधेव। और यदि ए या आ के बाद ओ आता है तो अपना क्या हो जाता है औ, तो अपन ने लिखा महौषधि, महा प्लस औषधि, अपन ने लिखा महौषधि। देखो इसका ये क्या है ऐश्वर्य, यहाँ अपन करो रमा ऐश्वर्य, रमा एक, देखो रमा प्लस ऐश्वर्य, ऐश्वर्य रमा प्लस ऐश्वर्य, यहाँ क्या है आ और यहाँ ए, क्या बन जाएगा रमोश्वर्य, क्या बन जाएगा रमेश्वर्य। देखो ये बताया ना कि ए या आ आए उसके बाद में ये आए तो ए हो जाता है, रमे कितनी मात्रा लगेगी, देखो ये दोनों मिलके ए हो जाते हैं, तो यहाँ तो अपन ने ये दोनों मिला दिए, ये ऐश्वर्य आ गया, ऐसे कैसे लिख दूं रमेश्वर्य। महा प्लस औषधि कुछ भी कर सकते हैं, सदा प्लस एव, सदैव एक मात्रा हो गई, ओ वाला वन प्लस औषध वन औषध, अधर प्लस ओष्ट अधरोष्ट, विद्या प्लस ओज विधोज, ये अपना गुण संधि। तो दीर्घ संधि
गुण संधि और वृद्धि संधि, तीन संधि अपनी कंप्लीट हो गई है। ओके, हैव ए नाइस डे।